क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज हम शुरू करेंगे अपना जूलॉजी का लेक्चर। बीएससी सेकंड ईयर की अपनी जूलॉजी की बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, आज जो लोअर कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हम देखेंगे टॉपिक कौन सा, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन देखेंगे वो प्राणी किस प्रकार से जो उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जो शरीर में रखने के लिए पॉसिबल नहीं होते, जो हानिकारक रहते हैं, मतलब उनको शरीर से बाहर निकालना ही होता है। ठीक है, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, हम अभी हम क्या पढ़ेंगे, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्थ्रोपोड हो गया, इंसेक्ट वगैरह हो गए। ठीक है, जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन के बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे उत्सर्जन की क्या होता है। ठीक है, वे नाइट्रोजन अपशिष्ट जो शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो शरीर में हम नहीं रख सकते। अगर शरीर में रखेंगे तो शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, अपशिष्ट, जैसे दोबारा हम डेफिनेशन बना सकते हैं, अपने मन से डेफिनेशन बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन कैसे, जैसे थ्योरी है, मतलब आसानी समझने का, इसमें कोई भी टिपिकल कुछ नहीं है कि हम चार्ट बनाएंगे या फिर हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको थ्योरीली ईजिली समझाऊंगी। ठीक है, ये लोअर एनिमल्स है, इनके अंदर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टराइज, मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है कि संरचना हो जिसके द्वारा वो कुछ ना कुछ स्पेशल नहीं होती है, जैसे हमारे मनुष्य में होता है। ठीक है, वैसे इनमें स्पेशल नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल सी सेल्स होती हैं जिनके द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वह नाइट्रोजनी अपशिष्ट या वह हानिकारक पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें ज़्यादा समय के लिए शरीर में नहीं रख सकते, या ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है, चार प्रकार के प्राणी होते हैं जो अलग अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, फर्स्ट आता है अमीनोटैग, सबसे पहले आता है अमीनोटैरिक। मतलब ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अमीनो अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, त्वचा से निकाले, किसी भी स्ट्रक्चर से निकाले, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल तो होगी नहीं कुछ, नॉर्मल कोई सी भी स्ट्रक्चर से शरीर से अमीनो अम्ल को बाहर निकाले। ये कौन सा होगा, अपशिष्ट पदार्थ होगा, शरीर को बाहर निकालना, उसको ऐसे प्राणी को क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक प्राणी। उन प्राणी को क्या कहेंगे, अमीनोटैलिक, जो अपशिष्ट पदार्थ को, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमीनो अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। किसके रूप में निकालते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं, अमीनोटैलिक। ठीक है, ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं, अमीनोटैलिक, अमीनो एसिड। ठीक है, जो किसके रूप में निकालते हैं, अमीनो एसिड के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा आता है अमोनोटैलिक, ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जिनको शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, उस अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, ऐसे प्राणी जो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप से शरीर से बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे प्राणी क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिक प्राणी। ऐसे प्राणी क्या कहलाएंगे, अमोनोटैलिक प्राणी। पहले देख रहे हैं, हमने उत्सर्जन की डेफिनेशन देखी किस तरीके से प्राणी करते हैं, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो करते हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया, इंसेक्टा हो गया, पोरिफेरा हो गया, ये सारे क्या है, लोअर एनिमल्स है, लोअर कैटेगरी के जीव है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अभी हम कौन से इनवर्टिब्रेट्स, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें उत्सर्जन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो उस दिन किस तरह के प्राणी करेंगे, लोअर एनिमल है, लोअर कैटेगरी है, तो वो किस किस तरीके से, किस किस रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। तो दो प्रकार का पढ़ लिया हमने, पहला अमीनोटैलिक, दूसरा अमोनोटैलिक, थर्ड आ गया यूरियोटैलिक। थर्ड कौन सा आया, यूरियोटैलिक। थर्ड आया यूरियोटैलिक, मतलब ऐसे प्राणी
जो उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, जो उनके अंदर अपशिष्ट मटेरियल बन रहा है, उस अपशिष्ट मटेरियल को, ठीक है, जो उनके अंदर अपशिष्ट मटेरियल बन रहा है, उस अपशिष्ट मटेरियल को यूरिया के थ्रू बाहर निकालते हैं। क्या बनता है? यूरिया के थ्रू। कई ऐसे प्राणी होते हैं जो मतलब शुष्क इलाकों में रहते हैं, जैसे छिपकली वगैरह हो गई, सांप हो गए, क्या शुष्क इलाकों में रहते हैं, तो इनको पानी की जरूरत ज़्यादा होती, मतलब बहुत कम पानी मिलता है। तो अगर ये ऐसे अमोनिया अमीनो एसिड के रूप में शरीर से बाहर निकालते, पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, तो ये क्या करते हैं, यूरिया के रूप में उसको वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यूरिया हानिकारक भी कर्म होता है शरीर के लिए, हानिकारक। इनको अमीनो अम्ल को अमोनिया को शरीर के जल्दी से बाहर निकालना होता है क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसको क्या करते हैं, अमीनो एसिड अमोनिया में चेंज होता है और अमोनिया यूरिया में चेंज होता है। ठीक है, तो यूरिया क्या है, शरीर के लिए इतना हानिकारक नहीं होता है, तो इसको थोड़े समय के लिए शरीर के अंदर भी रख सकते हैं। तो जो प्राणी अपने अपशिष्ट पदार्थ को, जो उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, उसको यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, ऐसे प्राणी को क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। ऐसे प्राणी को क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी। ठीक है, ऐसे प्राणी क्या कहलाएंगे अपने, यूरियोटैलिक प्राणी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ, यूरिकोटैलिक। ठीक है, सेकंड अपना, फर्स्ट आया अपना अमीनोटैलिक, दूसरा आया अपना अमोनोटैलिक, थर्ड आया यूरियोटैलिक, अब फोर्थ आ गया यूरिकोटैलिक। कैसा आ गया, यूरिकोटैलिक। ऐसे प्राणी जो अपने अपशिष्ट पदार्थ को किसके रूप में बना बाहर निकालेंगे, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालेंगे। ये यूरिया से भी कम खतरनाक होता है, दूसरा इसके अंदर पानी बाहर बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसलिए जो प्राणी अपने अपशिष्ट पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटैलिक प्राणी। तो ये चार प्रकार के थे टाइप, जिस ऐसे प्राणी जो अलग अलग टाइप से, किस किस टाइप से, ये चार टाइप हो गए जिनके रूप में अपने शरीर में जो अपशिष्ट बन रहा है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इतने टाइप्स हो गए, चार अमीनो के रूप में, अमीनो एसिड किसमें चेंज होता है, अमोनिया में, अमोनिया किसमें चेंज होता है, यूरिया में, यूरिया किसमें चेंज होता है, यूरिक अम्ल में। ये चार टाइप के, चार प्रकार के जीव है जो चार प्रकार से शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालते हैं। अब ये हो गया अपना टाइप्स, क्या थे टाइप्स, हो गया किसका, एनिमल्स का, किस टाइप के एनिमल है जो किस तरीके का अपशिष्ट शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे कि किन किन प्राणियों में कैसे कैसे उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे कई कई प्राणी होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस संकुचित धारी होती है, जैसे वाटर अब्जॉर्ब किया वही उसका वाटर पूरे शरीर में घूमा, उसी जगह से, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है, वही धानी फूलती है, वाटर अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन लेती है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो गंदा मटेरियल जो काम नहीं आता उसको उसी धानी के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, किसी सभी के अंदर ऐसा ही होता है, आर्थोपोडा के अंदर, मतलब लगभग लगभग के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, लीवर फ्लू का आता है, लीवर फ्लू के अंदर क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती है जो शरीर से क्या करती है अपशिष्ट पदार्थ को, ये क्या है, इनवर्टिबेट्स है, लोअर एनिमल्स है, हम हायर एनिमल्स नहीं पढ़ रहे, इनवर्टिबेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनवर्टिबेट्स के अंदर क्या होता है, अकशेरुकी पढ़ रहे हैं, हम कशेरुकी नहीं पढ़ रहे, अकशेरुकी के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जो लोअर एनिमल है बहुत छोटे। ठीक है, जैसे हम मोलस्का वगैरह, घोंघे वगैरह आते हैं वो पानी में रहते हैं छोटे छोटे, छिपकली वगैरह आ गए, इनके अंदर मतलब हम अभी इनवर्टिबेट्स पढ़ रहे हैं, बहुत लोअर एनिमल पढ़ रहे हैं, उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, ज्वाला कोशिकाएं आ गई, संकुचनशील धानी आ गया। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे शरीर में होता है पूरा आमाशय नेफ्रॉन वगैरह, ये उनमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, थ्योरिकल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है उत्सर्जन, इनवर्ट्स वर्ड्स में उत्सर्जन बहुत आसान तरीके से होता है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं थी, आपको बस क्या याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, किस तरीके के प्राणी होते हैं जो किस किस रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, नॉर्मल किस तरीके के प्राणी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ लीवर फ्लू का। ठीक है, एग्जाम किसका लेती हूँ, लीवर फ्लू का, भाई उसके अंदर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है, कोशिकाओं के अंदर जाता है, कोशिकाओं से वो क्या होता है, महाकोशिकाओं में जाता है, महाकोशिकाओं से कहाँ आता है, उत्सर्जी कोशिकाओं में आता है,
तो सब्जी कोशिकाओं से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर। कुछ भी टिपिकल नहीं है। जो इनवर्टिबेट्स है, एपिशोरिकी है, उनमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है। वो किसी भी इजी सी स्ट्रक्चर से, जैसे अब दूसरा जीव लेंगे तो माँ कोशिका ऐसे क्या होकर चला जाएगा, ज्वाला कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इतना डीप से पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है, आपको क्या याद रखना है, बस उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, किस तरीके से कौन कौन से जीव किस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं वो। और थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है, रसदानियों के द्वारा, संकुचनशील धानों के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, उत्सर्जी कोशिकाओं के द्वारा, उत्सर्जी छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उत्सर्जन बहुत ईजी है, कोई टिपिकल नहीं है। आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।